आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हो सेल्यूलर जेल, जिसके बिना आपकी अंडमान ट्रिप अधूरी, जिसके बिना आपके पोर्ट ब्लेयर की विजिट अधूरी। ये जो फांसी घर है ना, जहाँ पे आप देख सकते हो एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जाती थी, ये नीचे का हिस्सा है। तो ये जो जेल होते थे ना, सब सेम है, सब आइडेंटिकल है। मतलब चाहे कोई भी कैदी हो, ब्रिटिशर जिनको भी लाते थे ना। अभी हम करने वाले सी वॉक, जिसमें कुछ हेलमेट पहनेंगे और नीचे 10 मीटर्स पानी के अंदर उतारेंगे, जहाँ पे मरीन लाइफ देखने का अनुभव होगा। ये बोट में जाने का है। कैसा लगा ऋतिका? कान अभी भी दुख रहे? उन्होंने बोला कि 2 मिनट तक कान दुखेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। माय गॉड, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था बॉस। सही है यार। हाय डियर, और डियर क्या बोलता है डियर? अबे इधर इधर, उधर नहीं, इधर। गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं मैं और ऋतिका आप सभी का एक नए ट्रैवल सीरीज में। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा ही है, दिस ट्रिप इज ऑल अबाउट अंडमान, वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जैसे कि दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है। उसी तरीके से हमने सोचा कि जब भी हम डोमेस्टिक ट्रिप करेंगे हमारी नेक्स्ट, तो एक यूनियन टेरिटरी कवर करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं करी थी, और अंडमान, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस है इंडियंस के लिए, बिकॉज बीच लाइफ वहाँ की ओए होए, बहुत ही शानदार है, मजेदार है, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी उधर गया नहीं हूँ। इनफैक्ट अभी भी मुंबई के एयरपोर्ट पे ही है, सुबह के 7 बजे की फ्लाइट है, अभी बजे सुबह के 6, मतलब 1 घंटे बाद की उड़ान है, 3 घंटा लगाएगी, इंडिगो प्लेन है, और पहुंच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान का। और जैसे ही वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, 3-1 वीडियोस बना होगा, जिसमें हम 6 नाइट 7 डेज की ट्रिप कर रहे हैं, 2 दिन पोर्ट ब्लेयर में, 2 रात हैवलॉक आइलैंड में, फिर 1 रात नील आइलैंड में, मतलब काफी कुछ कवर करने वाले। और इस सीरीज में, छोटी सी सीरीज में, आपको अंडमान के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स मिलेगी। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र एंड वणक्कम। फाइनली ये हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द कैपिटल ऑफ अंडमान। फ्लाइट की अगर बात करूँ तो 3 घंटे पूरे लगाए, 10:30 बज चुके हैं सुबह के। अभी हम बाहर जाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेंगे टूर कंपनी के, वो आएंगे, हमें पिकअप करेंगे, फिर हम होटल जाएंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, फिर टूर वगैरह करेंगे। फ्लाइट कैसी थी? थकान वाली है ना, क्योंकि रात को बराबर सोना नहीं हुआ ना, इसीलिए। एनीवेज, मिड अक्टूबर का महीना है, तो जब लैंडिंग हो रही थी तो काफ़ी सारे बादल थे, जिसके कारण जो मस्त वाले टर्बुलेंस आए थे ना, लेकिन व्यूज़ बड़े प्यारे थे। और ये फ्लाइट मैंने बुक करी थी bookinggo.in, मैं नीचे लिख देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मिल रहे थे इस वेबसाइट से, जिसके कारण मैंने यही से बुक किया। और अगर ये टूर कंपनी की बात करूँ, जहाँ से मैंने 6 नाइट 7 डेज का पैकेज खरीदा है, तो इस टूर एजेंसी का नाम है महाराजा ट्रैवल्स, जो कि अच्छा खासा नाम है इनका, मतलब अंडमान पैकेजेस, बिकॉज इनका गढ़ मेन अंडमान में ही है। एनीवेज, वो तो अपन देखेंगे ना कि कितना शानदार अपना भी 6 नाइट 7 डेज का टूर होता है। वैसे रीति का पता है, यहाँ से इंडिया से ज़्यादा नज़दीक इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वो सब जगह है। हाँ, यहाँ से यही से चले। आधार कार्ड से जाना है इसको थाईलैंड इंडोनेशिया, ठीक है। पासपोर्ट तो घर पे है इसका, और मेरा तो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दिया है, कल ही दिया था, तो वहाँ पे है, अभी 10 दिन बाद घर पे जाएगा। अभी आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ, मतलब आपको भी पता चल ही जाएगा आगे आने वाले ट्रिपों में कि कहाँ का वीज़ा मैंने अप्लाई के लिए दिया है और कहाँ हम ट्रिप करने वाले हैं। वैसे तो हम इस कार से ट्रैवल करके जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, लेकिन अगर आप खुद से ट्रैवल करते हो ना, तो पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट के बाहर ही मेन रोड पे आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाएगी, जिसका किराया है मात्र 20 रुपया। पोर्ट ब्लेयर में स्टेज की बात करूँ तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप एयरपोर्ट के नॉर्थ ईस्ट साइड, जो कि सेल्यूलर जेल हो गया, या फिर जितनी भी फेरी टर्मिनल्स है ना, उसके आसपास होटल बुक करो। तो मैं बगल में आपको स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। पोर्ट ब्लेयर में प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हमें नीचे ही दिख गई अन्नपूर्णा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने लंच किया। ये
यार पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान का, उसकी एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, मतलब बहुत शॉकिंग चीज है कि रास्तों में ना बहुत सी जगहों पे ऐसे सिक्के डाले गए हैं। ये इंटेंशनली डाले गए, सच कह रहा हूँ, क्योंकि एक दो दिखते ना तो समझ में आता कि गिर गया रहेगा जिस टाइम ये रास्ते बन रहे थे, लेकिन हर जगह आपको दिखेंगे। आप देख पा रहे हो 25 पैसा, 8 आना, 2 रुपए, 1 रुपए, जी हाँ मजाक नहीं कर रहा, मतलब ये सच में शॉकिंग वाली चीज है, नहीं रितिका? हर जगह है। हाँ जी गाइस, तो आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हो सेल्यूलर जेल, जिसके बिना आपकी अंडमान ट्रिप अधूरी, जिसके बिना आपके पोर्ट ब्लेयर की विजिट अधूरी। इसका कारण ये है ना कि जो सेल्यूलर जेल है बहुत ही हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, अंग्रेजों ने बनाया था, बड़े बड़े पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स उनके नज़रों से जो भी होते थे उनको यहाँ पे बंदी बनाया जाता था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी काफ़ी यहाँ पे बंदी बनाए गए थे, जिसके वजह से सामने की तरफ ये जो गार्डन है ना, यहाँ पे हालांकि एंट्री फ्री है, यहाँ पे स्मारक बनाई गई है, स्टैचू बनाए गए हैं, जिसके वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे एक विजिट तो बनता है, उसके बाद हम जाएंगे सेल्यूलर जेल में। इसका कारण ये है कि शाम के 4 बजे तक ही लास्ट एंट्री होती है, सुबह 9 बजे ये खुलता है, 12:30 तक ये रहता है, उसके बाद 12:30 से 1 आधा घंटे का लंच ब्रेक होता है, उसके बाद 1 बजे से वापस 4 बजे तक आप एंट्री कर सकते हो, 30 रुपीज़ इसकी एंट्री फ़ी है, और फिर 4 बजे के बाद आप घूम सकते हो, फिर सकते हो 5:30 तक, क्योंकि 5:30 बजे यहाँ पे अंदर होता है लाइट एंड साउंड शो, जो कि अगेन अगर आपको इच्छा है बैठ के एंजॉय करने का तो वो 300 रुपया प्रति पर्सन एंट्री फ़ी है। हालांकि जैसे कि आपको पता है हमने तो ये महाराजा टूर से बुक किया, जिसके कारण सारी चीज़ें हमारी बुकिंग ही है, लेकिन अगर आप खुद से आते हो तो 30 रुपीज़ तो बाहरी काउंटर से आप ले सकते हो, और जो 300 का लाइट एंड साउंड शो है उसके लिए आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, है ना, जिसकी साइट कुछ अंडमान टूर्स, जो कि मैं आपको नीचे लिख के बता दूंगा। कि एनीवेज जो आपको सामने दिख रहा है ना वो है रॉस आइलैंड, यही सामने गूगल पे देखा था जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ की भी हिस्ट्री बहुत ही कमाल है। इसका दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वो यहीं पे आए थे जब जापनीज लोगों ने भी इसको कॉन्कर किया था अंडमान को। हाँ मतलब काफ़ी अमेजिंग सी हिस्ट्री है। अपन सेल्यूलर जेल में जाएंगे, उसकी हिस्ट्री करेंगे अनुभव, बिकॉज गाइड भी हम करेंगे, है ना, जिसकी वजह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। ये जो फांसी घर है ना, जहाँ पे आप देख सकते हो एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जाती थी, ये नीचे का हिस्सा है। मतलब देख के इतना इमोशनल सा फील हो रहा है ना, मतलब मैं वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आप जब आओगे ना इस जगह पे तब आपको भी वो अंदर से फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, सच कह रहा हूँ। तो भाई साहब जो गाइड जी है उन्होंने शुरुआत कर दी है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम आपको सेल्स में भी लेके जाएंगे जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स का मकसद ही ये था कि जो ताकत है ना फ्रीडम फाइटर्स की, जो जज्बा है उनको तोड़ना, जिसके कारण ये बनाया गया था जेल। और सबसे पहले गाइड ने शुरुआत करी है फांसी घर बताने से, और ये जो जगह है, ये जो शहीद होते ना उनसे पहले उनको पूछा जाता था आपकी लास्ट विश या फिर आपको क्या करना है, तो वो कहते थे कि हमको खुद की मरने के रिचुअल्स करने, बिकॉज जाहिर सी बात है बॉडी घर वालों को तो वापस मिलेगी नहीं, तो वो अंतिम क्रिया कैसे ही करेंगे, तो वो खुद मरने से पहले जीते जी खुद यहाँ पे अपने रिचुअल्स करते, उसके बाद उनकी फांसी होती। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। रितिका पता है ये जेल जब बनाया गया था आज से 125 साल पहले, इसकी लागत क्या थी, इसकी कॉस्टिंग क्या थी? 5,17,000 रुपए के आसपास। तो ये जो जेल होते थे ना सब सेम है, सब आइडेंटिकल है, मतलब चाहे कोई भी कैदी हो, ब्रिटिशर जिनको भी लाते थे ना, इस ब्लॉक में 146 जेल है ऐसे 2 माले पे, और वो जो सामने है ना उसमें 110 जेल है, तो सारी सेम है। और इनका मैकेनिज्म इस तरीके से बनाया गया था गेट्स में कि चाहे कोई भी हो, अगर चाबी भी मिल जाए ना उनको, फिर भी वो बाहर से एग्जिट नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि मान लो अगर चाबी मिल गई किसी को, फिर वो हाथ डाल के ना कड़ी खोल ही नहीं सकते थे, बिकॉज यहाँ पे कड़ी नहीं है, कड़ी इतनी दूर है, जिसके वजह से कोई भी कैदी चाबी होने के बावजूद भी इसे खोल नहीं पाता था।
यहाँ पे ना हर कैदी को ना सिर्फ दो पॉट्स मिले जाते थे, जाते उसी में खाना, उसी में पानी, उसी में हर कुछ करना। लिमिटेशंस मतलब इतना लिमिटेशन किया जाता था ना, पूरे दिन काम करवाते हर कैदी को, पूरे शाम तक, और उसके बाद टॉर्चर करते, उसके बाद लिमिटेशंस में डिनर हो, लंच हो, और खाना भी ये लोग जानबूझ के कम ही खाते ताकि के उनको वॉशरूम ज़्यादा ना जाना पड़े, अगर वॉशरूम ज़्यादा गए तो वापस सज़ा मिलती थी, मतलब बहुत टॉर्चर करते थे। फिर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो सारे फ्रीडम फाइटर्स को निकाला गया था हर जेल से, और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। एनीवेज 1942 में यहाँ पे भूकंप आया था जिसके कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि अंडमान सेफ नहीं है और वो निकल पड़े थे। 1943 में जैपनीज लोग आ गए थे, 2-3 साल उन्होंने कब्जा किया था अंडमान में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए थे 1943 में, उन्होंने ट्राई कलर फहराया था यहीं पे पास में। ये जो है नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित हुआ था मोरारजी देसाई के द्वारा 1979 में। तो शाम के 6:45 और हमारा जो लाइटिंग शो है सेलुलर जेल में वो है 6:50 का, तो तकरीबन 1 घंटा बाकी है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम यहाँ पे फ्लैग पॉइंट आ जाए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में यहाँ पे होस्ट किया था। मैं तो उस पल का सोच रहा हूँ 1943 का, मतलब देश आज़ाद होने के भी 4 साल पहले किस चौड़ में, मतलब किस गर्व से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ट्राइकलर होस्ट किया था, सोचो है ना क्या उत्साह रहेगा। हाँ एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे 3 शो होते हैं सेलुलर जेल में, जो 300 रुपया प्रति पर्सन टिकट रहता है, 550 का होता है वो लेकिन सोल्ड आउट हो गया था, फिर 650 का होता है और फिर 750 का होता है। 45 मिनट्स का वो लाइट शो होगा और पता नहीं वो कैसा होगा, जाहिर सी बात है कि इमोशन से भरा होगा, आई मीन फ्रीडम फाइटर के हिसाब से सारी चीज़ें बताएंगे। एनीवेज वो रॉस आइलैंड में दोबारा बता देता हूँ, और आगे है नॉर्थ बे आइलैंड। वैसे अगर अंडमान की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 4.5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग पोर्ट ब्लेयर यानी कि कैपिटल में रहते हैं। 69% लोग यहाँ पे हिंदू है, हिंदू रिलीजन के हैं, 8% के आसपास मुस्लिम्स है और 20% के आसपास क्रिश्चियंस है। और अंडमान को जो लोगों ने सिर्फ सुना है या फिर पोर्ट ब्लेयर के बारे में जो लोगों ने सिर्फ सुना है या फिर कभी किसी वीडियो में नहीं देखा है ना, जैसे कि मैंने भी बहुत कम वीडियोज़ में देखा था, तो मेरे लिए भी ये काफ़ी शॉकिंग है जब मैं यहाँ पे आया हूँ, बिकॉज सच में जो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि लाइटें वगैरह देख लो, रास्ते देख लो, है ना, काफ़ी फैसिनेटिंग लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा यार। एकदम प्रॉपर सिटी वाइब दे रहा है, ये सच कह रहा हूँ। अगर अंडमान जिन्होंने वीडियोस में वगैरह नहीं देखा है, सिर्फ पढ़ा है अंडमान पोर्ट ब्लेयर के बारे में, वो लोग काफ़ी शॉकिंग हो जाएंगे कि इतना दूर एक तो इंडिया से, हालांकि इंडिया का ही पार्ट है सबको पता है, लेकिन इंडिया से दूर एक आइलैंड, एक टापू है, उसके बावजूद पूरा सिटी वाइब है ना। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू day 2 ऑफ अवर अंडमान ट्रिप। अभी बस मॉर्निंग में तैयार वगैरह हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट करने आए हैं टॉप फ्लोर पे अपने होटल के। यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे, और वाटर एक्टिविटीज ढेर सारी करेंगे, मतलब ये तो प्लान है। अभी आगे देखते हैं कि आज का दिन कैसे बीतता है, लेकिन बता दूँ कि कल रात को ना जो हमने लाइट शो देखा, जो हमने साउंड शो देखा सेल्यूलर जेल में, ओए होए जो गूज़बम्स आए कि मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया। जो परफॉर्मेंसेस में, आई मीन जो शो में इतना पेट्रियटिज्म था कि इतने सारे गूज़बम्स आए और ऐसा प्राउड फील हो रहा था कि हमारे वीरों ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना सहा है, स्पेशली ब्रिटिशरों ने जो टॉर्चर किया, टोटली उस पर था 45 मिनट्स का शो। मैं तो 100% रिकमेंड करता हूँ, जब भी आओगे ना अंडमान ज़रूर ये शो मिस मत करना, लाइट शो सेल्यूलर जेल का, बहुत ही प्यारा है, अच्छा लगेगा, सुहावना लगेगा और आपको एक प्राउड फील कराएगा, पॉजिटिविटी से भर देगा। और अगर क्लाइमेट की बात करूँ तो 3rd week of October चल रहा है और जो धूप है ना, हल्की फुल्की बारिश है, मतलब ना के बराबर बारिश है, आप कह सकते हो नवंबर से चालू हो जाता है सीजन अंडमान का, लेकिन यहाँ की धूप है ना थोड़ी सी छुपती है, मतलब अगर दोपहर की भी बात करें, हम कल दोपहर में निकले थे लंच वगैरह करने के लिए, तो धूप यहाँ की बहुत छुप रही थी, ठीक है, लेकिन नवंबर से प्यारा हो जाएगा मौसम और इनफैक्ट सीजन चालू हो जाएगा। अरे वाह, ये गार्डन है कि फेरी टर्मिनल है, जोरदार है, कुछ भी बोले, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है।
तो ये जो फेरी टर्मिनल है पोर्ट ब्लेयर का, यहाँ से फेरिया जाती है फॉर रॉस आइलैंड टूर और नॉर्थ बे आइलैंड टूर। ये डे ट्रिप लोग करते ही है एक दिन पोर्ट ब्लेयर अगर रुकते हैं तो। तो अगर टिकट फेयर की बात करूँ कहाँ से बुकिंग करनी है तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। तो bookmyboat.com ये वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप ये फेरिया बुक कर सकते हो। मान लो आपको सिर्फ रॉस आइलैंड ही टूर करना है। रॉस आइलैंड है क्या? हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका अभी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक डेढ़ घंटे बाद वहाँ से फेरी पकड़ के सीधा चले जाएंगे नॉर्थ बे आइलैंड। फेरी डिस्टेंस की बात करूँ तो मैक्सिमम 10-15 मिनट्स रहेगा, बिकॉज मेरे सामने ही मैं रॉस आइलैंड तो देख पा रहा हूँ, तो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। टिकट प्राइस की अगर बात करूँ ना, तो अगर सिर्फ आपको रॉस आइलैंड जाके आना है वापस पोर्ट ब्लेयर, 370 प्रति पर्सन का चार्ज रहता है। और अगर आपको रॉस आइलैंड से वापस नॉर्थ बे जाना है, तो नॉर्थ बे क्यों जाना है? क्योंकि वाटर एक्टिविटीज़ जो भी होती है ना, एक तो हैवलॉक में होती है और एक यहाँ होती है। तो जेट्स की हो गया, पैरासेलिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, अंडर वाटर वॉक हो गया, जो भी होता है ये यहाँ पे नॉर्थ बे में होता है। तो अगर आपको रॉस आइलैंड के साथ नॉर्थ बे भी जाना है तो पूरा 870 चार्ज रहता है। वापस आपको पोर्ट ब्लेयर तक वो फेरी छोड़ती है, शाम तक आप वापस बैक टू पोर्ट ब्लेयर आ जाते हो। एनीवेज अभी अपन जाते हैं फेरी पकड़ के, पहुंच जाते हैं सीधा रॉस आइलैंड टूर के लिए। देखो वो है पोर्ट ब्लेयर, ये है रॉस आइलैंड और ये है नॉर्थ बे आइलैंड। और ये जो नॉर्थ बे आइलैंड है ना, ये आपने देखा रहेगा पुरानी बीच की नोट। जी हाँ, मैं बगल में फोटो भी दे देता हूँ, दो कोकोनट ट्रीज के बीच में इस आइलैंड का फोटो रहेगा। पहले अपने को लगा ये लोग रॉस आइलैंड लेके जाएंगे, लेकिन नॉर्थ बे लेके आए। हाँ, पहले नॉर्थ बे लेके आ गए, कोई बात नहीं जी, वाटर एक्टिविटीज पहले निपटा देंगे। ये देखो यहाँ पे स्कूबा डाइविंग हम कर रहे हैं, लेकिन सी वॉक, क्योंकि स्कूबा डाइविंग हम करेंगे हैवलॉक में, ये मेरा इस हिसाब से प्लान है। तो ये सी वॉक थोड़ा सा अलग लगा, हालांकि रेट्स तो एक ही है, लगभग 3,500 प्रति पर्सन। अभी पैरासेलिंग तो बंद है कुछ वेदर कंडीशन के हिसाब से, वरना वो भी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, 3,000 एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया, गोवा वगैरह की अगर कंपैरिजन में बात करें तो। अंडमान थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ठीक है सी वॉक के लिए। ओके, ओए होए होए, पब्लिक मौज में। हाँ, रितिका ने भी चेंज कर लिया है, मैंने भी चेंज कर लिया है। इसका कारण ये है कि सामान सब लॉकर में डाल दिया है। अभी हम करने वाले सी वॉक, जिसमें कुछ हेलमेट पहनेंगे और नीचे 10 पानी के अंदर उतारेंगे, जहाँ पे मरीन लाइफ देखने का अनुभव होगा। ये बोट में जाने का है, उसके बाद पता नहीं अभी कौन सा हेलमेट पहनाएंगे और कितना नीचे उतारेंगे और कौन कौन नीचे मिलेंगे, मतलब मरीन लाइफ की बात करूँ तो। चलो अभी ये देखो, ऐसे हमें नीचे छोड़ा जाएगा हेलमेट पहना के 10 नीचे। और ये आप देख रहे हो बुलबुले, ये सब ऑक्सीजन के कारण, मतलब जो भी नीचे गए हैं ना 4-5 लोग, उनका ऑक्सीजन आप कह सकते हो। और साथ में डाइवर्स भी कूदते। अरे बाप रे, ये हेलमेट अच्छा, और ये पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई होता है। भाई साहब मैं तो निकल गया अभी, अभी रितिका मैडम की बारी है, वो भी ऊपर आती रहेगी। कान एकदम, भाई साहब जैसे ही नीचे उतरते वो लोग पहले इंस्ट्रक्ट करते
कि कान आपको पेन करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप 10 मीटर नीचे उतरोगे, तो अंदर डालना हाथ, क्योंकि वो जो बबल है ना जो हेलमेट, उसके अंदर आप हाथ डाल सकते हो, पानी अंदर नहीं जाता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जाता है। तो वो कह रहे थे कि अंदर हाथ डाल के नाक आप बंद करना और जोर से सांस लेना, तब जाके कान ठीक होगा। कैसा लगा रितिका? कान अभी भी दुख रहे? उन्होंने बोला कि 2 मिनट तक कान दुखेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। माय गॉड, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था बॉस। ओ भाई साहब, ये अंडमान में कि नारा में आ गए? हाँ, जापान में नारा था ना, मैंने टूर किया था, तुमने वीडियो देखी रहेगी। हाँ, ऐसे ही तो था, डियर पार्क नारा का, बस वैसे ही इधर भी है सीन। सही है यार। हाय डियर, और डियर क्या बोलता है डियर? तो ये हम आ गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका पहले का नाम था रॉस आइलैंड। जैसे आप एंटर करते तो बहुत सारी भीड़ तो आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आती है। पोर्ट ब्लेयर से भी नज़दीक है ना, वो रहा सामने पोर्ट ब्लेयर। और लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने एंटर किया, ओए होए, बहुत सारे हिरण भी देखने को मिल गए। मैंने सोचा कि यार जापान की याद आ गई, मतलब वो नारा गया था ना मैं, क्यों तो नारा टूर, तो आपने देखा रहेगा ऐसे ही डियर वियर घूमते विदाउट केज। तो बस उसी हिसाब से यहाँ पे भी है। ओए ओए ओए, आराम से आराम से। अरे कुछ नहीं करेगा। हाँ क्या हुआ, चला गया? वाह 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 वाह, अरे पीकॉक डर के भाग जाते हैं भाई। सही जगह है, कुछ भी बोलो, एकदम नेचुरल है, एकदम शांतिपूर्वक है। मतलब एक बार भीड़ आ जाती है बहुत सारी बोट्स के द्वारा, और उसके बाद कोई पब्लिक उधर जाती है, कोई पब्लिक इधर जाती है, मतलब बिखर जाती है। सवा घंटा आपके पास टाइम रहता है वापस बैक टू वो पर्टिकुलर स्पॉट पे आने का, जहाँ से बोट पकड़ के आपको अंत में पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, जो भी आपको टाइम देते हैं ना, तो आप नेचर से बहुत नज़दीक आ जाते हो, सच कह रहा हूँ। बिकॉज ऐसे ऐसे पक्षियाँ, ऐसे ऐसे प्राणी आपको खुले देखने मिलेंगे ना, जिसका अनुभव आपने शायद तक ही किया हो, मतलब स्पेशली फॉर सिटी पीपल्स लाइक अस जो मुंबई वगैरह में रहते हैं। केजीज में देखने को मिल जाता है अगर आप नेशनल पार्क वगैरह में जाओ तो, लेकिन ऐसे खुले में इतने सारे आपको पक्षी और पशु देखने का अवसर, और वो भी कोकोनट ट्रीज इतने सारे, आई मीन ग्रीनरी की बात करूँ तो इसका अलग ही मज़ा है। ओ तेरी, यहाँ पे तो फाइट चल रही है भाई। हाँ, एक दूसरे को पीछे ढकेल रहे, जिसके पास लंबे चौड़े सिंह होते हैं ना, उसकी अंत में जीत होती है। डिस्कवरी में देखा था मैंने वैसे तो। यहाँ पे कुछ तो एकदम खंडर सा बन गया है अभी तो, लेकिन कुछ तो था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हो वहाँ पे बाहर कुछ लिखा भी गया है, देख लेते ना क्या चीज़ था ये। अच्छा, सबऑर्डिनेट्स क्लब। द सबऑर्डिनेट्स क्लब वॉज फॉर द जूनियर कमीशन नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स एट रॉस आइलैंड। मतलब इस आइलैंड में जो भी ये सब तैनात थे ना, उनके लिए क्लब था आप कह सकते हो। ओहो हो, हाल बेहाल है मतलब। भाई साहब, वैसे तो ये चर्च है जैसे कि आपने बाहर ही पढ़ा है ना, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे को पता है कौन सी फीलिंग आई। मैं पहले खेलता था मतलब पबजी, तो उसमें लिविक मैप आपको पता ही रहेगा, उसमें कुछ एक पार्ट ऐसा है, मेरे को नाम नहीं पता एग्जैक्टली वो पार्ट का, लेकिन ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन है सेम। एकदम डरावना लग रहा है ना रितिका, तुम अंदर से आओगी ना तो ऐसे सूट करेगा, मेरे को नहीं पता क्यों सूट करेगा, लेकिन एकदम मस्त है, सच कह रहा हूँ। तो अभी 4 बजने को है और हमारी फेरी आएगी 10 मिनट में, जो हमें वापस लेके जाएगी पोर्ट पर, जहाँ से हमारी इस ट्रिप की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है आज का दिन भी यही समाप्त हो जाता है। मतलब इस वीडियो में आपने स्टार्टिंग के 2 डेज देखे हैं अंडमान ट्रिप के हमारे, जिसमें हम मुंबई से फ्लाई करके आते हैं अंडमान, और फिर कल पोर्ट ब्लेयर में जो भी सेल्युलर जेल वगैरह 2-3 अट्रैक्शन जो भी थे वो सारे कवर किए। उसके बाद आज के दिन में हमने डे ट्रिप करी थी रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड, जहाँ पे हमने वो वाटर एक्टिविटी भी की, सी वॉकिंग, जो कि काफ़ी शानदार थी, यूनिक थी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, जिसमें आपने हमारे साथ अनुभव किए अंडमान के। यू ही बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस अंडमान के और अमेजिंग होने वाले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बाय बाय।